ऐसे कुछ काम है जिनके लिए आपको बाहर आने की इजाजत है, वरना लॉकडाउन का मतलब यही है कि आप अपने आप को घर में लॉक कर लीजिए, आप सड़कों पर ना निकलें, घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन क्यों किया जाता है, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो कोरोना वायरस का संक्रमण चूंकि इंसान से इंसान में फैलता है, तो ये एक से दूसरे इंसान में ना हो, इसके लिए यही जरूरी है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलें, और अगर लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये संक्रमण भी नहीं फैलेगा। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन के मद्देनजर जो लोग इसको नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी विकल्प का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो जो लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसे जरूरी है कि सब लोग घर के अंदर ही रहें। कहां कहां है लॉकडाउन, अगर ये देखने की कोशिश करें तो आपको बता दें कि देश के 76 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया। ये 76 जिले वो जिले हैं जहां कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा कुछ राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड में यहां पे लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लेकिन समझने की बात यह है कि कई राज्यों में तो पूरे राज्य में ही लॉकडाउन किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों में कुछ जिलों में ही लॉकडाउन किया गया। जो तमाम राज्य आपको हमने दिखाए हैं पूरे राज्यों में सभी में लॉकडाउन नहीं है, जैसे दिल्ली के तो सभी 7 जिलों में लॉकडाउन, यानी पूरी दिल्ली लॉकडाउन में है और 31 मार्च तक है ये लॉकडाउन। लेकिन उत्तर प्रदेश के अभी फिलहाल 16 जिलों में ही 25 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। और इन जिलों पर भी अगर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, आज सुबह ही पीलीभीत में भी घोषणा की गई है लॉकडाउन की। तो ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर लॉकडाउन घोषित किया गया है। लेकिन ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है कि इतने सारे राज्य क्षेत्रों में या पूरे पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी नजर डालें तो हम ये पाते हैं कि विश्व के भी को घटाकर 5% तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील है कि सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में लोगों के दर्शनों के लिए इन्हें बंद किया जाए, तो धार्मिक स्थल भी बंद किए जा रहे हैं। तो वहीं धारा 144 के चलते लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो इन नियमों का पालन करें, केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही बाहर निकलें। और पंजाब की बात करें तो वहां भी सभी गैर जरूरी सेवाओं और व्यवसायों को के लिए 31 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य, बिजली, आपात परिवहन सेवाएं, दूध, अनाज और दवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। तो लॉकडाउन में है पंजाब राज्य भी। और तमिलनाडु में चेन्नई, इरोड और कांचीपुरम में भी लॉकडाउन लागू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दुकानें बंद हैं और बहुत कम लोग बाहर नजर आ रहे हैं, जो केवल आवश्यक कार्यों के लिए ही बाहर आ रहे हैं। और लॉकडाउन पूरी तरह से सफल हो इस बात को भी जो प्रशासन है वो सुनिश्चित कर रहा है। पणजी में भी कोविड-19 से बचाव के लिए लॉकडाउन का कदम उठाया गया है। लेकिन दूध, अनाज जैसी जरूरी वस्तुएं जरूर लोगों को उपलब्ध की जा रही हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में लॉकडाउन की घोषणा की और कहा कि आगामी आदेशों तक प्रदेश पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 22 मार्च की मध्य रात्रि से 31 मार्च की मध्य रात्रि तक सभी यात्री गाड़ियां भी बंद रहेंगी, यानी इस अवधि के दौरान मालगाड़ियों को छोड़कर कोई और गाड़ी नहीं चलेगी। तो भारतीय रेल की ओर से निर्णय लिया गया है 31 मार्च की आधी रात तक उपनगरीय ट्रेन सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। इसके अलावा 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो समेत सभी मेट्रो सेवाओं को भी स्थगित करने का फैसला किया गया है। अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है और ये सब इसी वजह से किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाजाही कम हो और इसके जरिए लोगों का संपर्क